हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैपुलर डिस्काइनेसिस। आज स्कैपुलर डिस्काइनेसिस में हम जानेंगे कि ये किन कारणों से होता है, इसके क्या रीजंस हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, किस तरीके के रिस्क फैक्टर होते हैं, किस तरीके से हम इसका डायग्नोसिस करते हैं और इसका किस तरीके से हम ट्रीटमेंट देते हैं। स्कैपुलर डिस्काइनेसिस हमारी स्कैपुला, जो कि अपर बैक की बोन होती है, एक त्रिकोण आकार की चपटी बोन है स्कैपुला, अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव हो जाए, वो अपनी पोजीशन से चेंज हो जाए उसके मूवमेंट के टाइम पे या रेस्ट के टाइम पे, तो स्कैपुला में बदलाव या स्कैपुला का बाहर की तरफ निकल जाना या अपनी पोजीशन से बदल जाना, उसको हम सिक स्कैपुला या स्कैपुलर डिस्काइनेसिस कहते हैं। स्कैपुलर डिस्काइनेसिस तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है जब इन्फीरियर एंगल, जो कि सबसे नीचे होता है स्कैपुला में, और मीडियल बॉर्डर, जो कि यहाँ अंदर की तरफ होती है, अगर ये प्रोमिनेंट हो जाती है, उभरी हुई दिखने लगती है, तो उसे टाइप वन स्कैपुलर डिस्काइनेसिस कहते हैं। टाइप टू में हमारा स्कैपुला विंगिंग स्कैपुला हो जाता है, बाहर की तरफ और ज्यादा डेविएट हो जाता है। टाइप थ्री में मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाती है। सुपीरियर बॉर्डर ऊपर की तरफ रहती है स्कैपुला में, इस तरफ रहती है, और ये मीडियल बॉर्डर होती है, तो ये अगर उभरी हुई दिखने लगी तो वो टाइप थ्री स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होता है। तो ये हमारा सिक स्कैपुला होता है या स्कैपुलर डिस्काइनेसिस। अब हम आज इसमें बात करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं। तो हम हमारे टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। छह ऐसे कारण हैं जो स्कैपुलर डिस्काइनेसिस में होने में सहयोग देते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, पर जो छह कारण जिनके बारे में हम अभी देखेंगे, बात करेंगे, वो मेन ऐसे कारण हैं जो कि स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होने के कारण बनते हैं और होने के लक्षण में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला कारण है नर्व का डैमेज हो जाना। हमारे स्कैपुला के आसपास जितनी भी नर्व्स हैं, वो सब हमारी स्कैपुला के मसल्स को सप्लाई करती हैं। स्कैपुलर डिस्काइनेसिस के कारण है कि अगर उन मसल्स का सप्लाई, नर्व सप्लाई डैमेज हो जाए, तो वो मसल्स उनको अच्छे से स्कैपुला को
पकड़ के नहीं रख पाएगी, क्योंकि हमारे स्कैपला किसी बहुत बड़े जॉइंट से अटैच नहीं है, वो सिर्फ उसका अटैचमेंट जो है सिर्फ मसल्स से है। काफी स्ट्रॉन्ग मसल जो है, काफी सारी और काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स स्कैपला से अटैच हैं। तो अगर उन मसल्स का नर्व सप्लाई डैमेज हो जाता है या कम हो जाता है या कंप्रेस हो जाता है, तो इस कारण से भी स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होता है। अगर उन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाए, जो लचीलापन है मसल्स का, जो लचक है, अगर वो चली जाए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाए, तो भी स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होता है। अगर किसी कारण से मसल्स ही डैमेज हो जाए, चोट लगने के कारण से, कट लगने के कारण से, फ्रैक्चर हो जाने के कारण से, या काफी लंबे समय से बेड रिडन है उस कारण से, कुछ भी कारण हो सकते हैं मसल्स डैमेज होने के, तो अगर वो मसल्स डैमेज हो जाएंगी तो भी स्कैपुलर डिस्काइनेसिस की कंडीशन बनती है। अगर कमजोरी आ जाए पेट की कोर मसल्स में, हिप रीजन में और लेग में, हमारी बॉडी का जो बायो मैकेनिक्स है वो सब आपस में कनेक्ट है, और स्कैपुला से जो मसल्स निकलती हैं वो काफी लेंथन यानी कि लंबी होती है, वो हमारे कोर से अटैच होती हैं, हमारी रिब से भी अटैच होती है। तो अगर पेट की मसल्स, हिप की मसल्स या लेग की मसल्स में कमजोरी आ जाए, या हिप रीजन में, लेग रीजन में और कोर रीजन में भी कमजोरी आ जाए, तो भी स्कैपुलर डिस्काइनेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर बोन कमजोर हो, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, ऑस्टियोमेलेशिया के कारण, या कैल्शियम कम हो बॉडी में, विटामिन डी कम हो बॉडी में, तो उस कारण से मसल्स के साथ साथ बोन्स भी वीक हो जाती है। तो बोन वीकनेस के कारण से भी स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होता है, या फिर फ्रैक्चर हो जाए। स्कैपुला का फ्रैक्चर वैसे बहुत अनकॉमन होता है, बट अगर बाय चांस उसका कभी फ्रैक्चर हो गया, किसी जोर चीज से किसी ने मार दिया, या आप उसके बल बहुत तेजी से गिर गए तो बोन फ्रैक्चर हो गई हो, तो या फिर जो हमारा कंधे का जोड़ है, शोल्डर जॉइंट है, स्कैपुला शोल्डर जॉइंट के पास ही रहती है, तो अगर उस जॉइंट में किसी तरीके का डैमेज हो जाए, ठीक है, तो भी स्कैपुलर डिस्काइनेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये छह ऐसे कारण हैं जो कि सहयोग करते हैं स्कैपुलर डिस्काइनेसिस को होने में, ठीक है। तो हमारे ये छह ऐसे कारण हैं, डैमेज हो जाना नर्व का, फ्लेक्सिबिलिटी का चले जाना, मसल्स का डैमेज हो जाना, कोर मसल्स, हिप रीजन की मसल, लेग की मसल्स का वीक हो जाना, बोन में कमजोरी आ जाना, बोन में फ्रैक्चर हो जाना और जॉइंट का डैमेज हो जाना। ये कारण होते हैं छह मेन, जो कि स्कैपुलर डिस्काइनेसिस का कारण बनते हैं।
हमारी स्कैपला का जो रोटेशन होता है वो एक नॉर्मल पैटर्न रोटेशन है, जैसे कि एक्सटर्नल रोटेशन अंदर की तरफ जब रोटेट होती है, पोस्टीरियल टिल्ट, अपवर्ड रोटेशन, मीडियल ट्रांसलेशन। पोस्टीरियर टिल्ट पीछे की तरफ जब वो टिल्ट हो, ऊपर की तरफ रोटेट हो, और अंदर की तरफ जब ट्रांसवर्स हो, रोटेट हो। तो कुछ नॉर्मल जो रोटेशन होते हैं, अगर ये भी एक्सेसिव हम करते हैं, बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो हमारी स्कैपुला की जो मसल्स हैं आसपास की वो भी वीक हो जाती हैं। तो उन कारणों से भी वीक मसल ओवर यूज के कारण से, है ना, एक्सटर्नल रोटेशन, पोस्टीरियर टिल्ट, अपवर्ड रोटेशन, मीडियल ट्रांसलेशन, ये सब अगर हम करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, जैसे जो एथलीट्स होते हैं, स्पेशली जो बॉलर्स होते हैं, वो सारे ये जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा करते हैं, इसी कारण से, ओवर यूज के कारण से भी मसल्स थक जाती हैं, फटीक हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिस कारण से स्कैपुलर डिस्काइनेसिस देखने को मिलता है। और डैमेज हो जाने के कारण से ये जो मूवमेंट है ये भी छिप जाते हैं, कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनमें ये रिस्क होता है इस कंडीशन के डेवलप होने का बहुत ज्यादा। ठीक है, जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो खेलते हैं स्पोर्ट्स, जो स्पेशली बॉलर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है ऐसी कंडीशन, स्कैपुलर डिस्काइनेसिस की कंडीशन का डेवलप होने का, क्योंकि 90% जो केसेस आते हैं उसमें यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन का बार बार रिपीटेशन होता है, एक ही डायरेक्शन का बार बार मोशन होता है, जिस कारण से डिसलोकेशन इंजरी, मतलब शोल्डर डिसलोकेशन कॉमनली देखने को मिलता है। तो उस कारण से, शोल्डर डिसलोकेशन होने के कारण से भी स्कैपुलर डिस्काइनेसिस की कंडीशन बनती है, क्योंकि डिसलोकेशन जब होता है तो वहां की मसल्स वीक हो जाती हैं। वीक मसल्स के कारण स्कैपुला अपनी पोजीशन से रेस्ट पे या मूवमेंट के टाइम पे चेंज करने लगती है खुद को, तो इस कारण से भी स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होता है। अब कुछ ऐसे स्पोर्ट्स जिस कारण से ज्यादातर जिनमें स्कैपुलर डिस्काइनेसिस देखने को मिलता है वो देखते हैं हम, कि ऐसे कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाईएस्ट नंबर देखने को मिलता है स्कैपुलर डायस्काइनेसिस का। सबसे पहले ऐसे स्पोर्ट्स आते हैं हमारे, जिमनास्टिक्स। जिमनास्टिक्स में बहुत सारे से स्पोर्ट्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, जैसे आर्टिस्टिक जिमनास्टिक होते हैं, बैलेट होता है, रिदमिक होते हैं, ठीक है, टम्बलिंग होता है,
या चेयर लीडिंग, कराटे, डांस, बहुत सारे जिम्नास्टिक्स स्पोर्ट्स होते हैं। तो जिम्नास्टिक जो करते हैं उनमें ये खासकर देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो जिम्नास्टिक में हैं उनमें स्कैपुलर डिस्काइनेसिस देखने को मिलता है। फिर आता है स्विमिंग। स्विमिंग के कारण भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उसमें हम हमारे हेड का और हमारे शोल्डर का मूवमेंट बहुत बार बार करते हैं पानी में तैरने के लिए। तो जो स्विमिंग वाले होते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है, वॉलीबॉल प्लेयर में देखने को मिलता है, बेसबॉल प्लेयर में देखने को मिलता है, जो प्राइमरी पिचर्स होते हैं उनमें स्पेशली बेसबॉल में देखने को मिलता है। आदमियों में 18 से 25 की एज के बीच में स्कैपुलर डिस्काइनेसिस बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, स्पेशली मेंस में ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वीमेंस की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है, मेंस की थोड़ी कम होती है। तो 18 से 25 की एज के बीच के मेंस में स्कैपुलर डिस्काइनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। थ्रोइंग स्पोर्ट्स की बात करी है हमने, तो थ्रोइंग एक ऐसा खेल है जिसमें प्लेयर को थ्रो करना पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होता है। ये जो आर्म कॉकिंग स्टेज है इसमें हम हमारे हैंड का ओवर हेड अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं, वो भी नॉर्मल रेंज से ज्यादा। जो एथलीट्स होते हैं वो इस आर्म कॉकिंग स्टेज में पूरी बॉडी का फोर्स लगाते हैं अपने हाथ पे एक गेंद को फेंकने के लिए। यही फोर्स वो बार बार रिपीट करते हैं, और उस रिपीटेड मूवमेंट और एक्स्ट्रा अबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन के साथ रिपीटेड मूवमेंट के कारण ऐसे एथलीट्स में स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, और आर्म कॉकिंग स्टेज के कारण सबसे ज्यादा स्कैपुलर डिस्काइनेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो अभी हमने इसके कारण देखे कि किन कारणों से हमारा सिक स्कैपुला या स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों पे, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि किस तरीके के लक्षण इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ओवरहेड एथलीट्स होते हैं जिनका थ्रोइंग काफी होता है उनमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होने का। कंपैरिजन किया जाए तो 61% एथलीट जिनमें ओवरहेड मूवमेंट रहता है उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर हमारे नॉन ओवरहेड एथलीट्स में। तो इसके जो लक्षण होते हैं स्कैपुला के, अब वो क्या क्या होते हैं इस बारे में हम बात करते हैं।
सबसे पहला है एंटीरियर शोल्डर पेन, ठीक है, सबसे पहली कंप्लेन आएगी दर्द, आगे की तरफ कंधे में दर्द, पोस्टीरियर सुपीरियर स्कैपुलर पेन, पीछे की तरफ ऊपर साइड में स्कैपुला में दर्द, कंधे में ऊपर की तरफ दर्द, और थोड़ा दर्द आर्म में भी हो सकता है। इसका एक कॉम्बिनेशन भी मिल जाए दो में से कोई, किसी किसी को ऐसा होता है कि पूरे शोल्डर में दर्द बना हुआ है, किसी किसी को ऐसा होगा कि सिर्फ दो जगह दर्द बना होगा, किसी किसी को किसी एक ही जगह दर्द बना रह सकता है। तो कंधे में आगे की तरफ दर्द, स्कैपुला जो है उसमें ऊपर की तरफ दर्द, शोल्डर के जस्ट ऊपर ही कंधे का जो जोड़ है उसके ऊपर ही दर्द बने रहना, थोड़ा नीचे की तरफ जाना आर्म में दर्द, और या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन में दर्द। ये देखिए, इस तरीके से दर्द रहता है इस जगह पे, इस जगह पे कभी कभार पूरे हाथ तक चला जाता है, या कभी कभार इस तरीके से दर्द रहता है इधर वाले एरिया में, कभी कभार इस तरीके से पूरे शोल्डर में हाथ तक दर्द, पीछे पूरा दर्द, इन एरियाज में आपको दर्द हो सकता है। फिर पोस्टीरियो सुपीरियर स्कैपुलर दर्द, यानी कि स्कैपुला में ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ दर्द, जो कि रेडिएट होके पैरा स्पाइनल सर्वाइकल रीजन तक भी जाता है। जैसे हमने अभी ये देखा, ये देखिए यहाँ दर्द बना रहेगा, कभी कभार ये दर्द इस जगह पे भी आ जाएगा, पैरा स्पाइनल जो स्पेस होता है सर्वाइकल का, यहाँ यहाँ गर्दन के पास, इन जगहों पे भी दर्द होगा। पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको रेडिएट हो रहा है पेन, जो कि सर्वाइकल रीजन में भी जा रहा है, जैसे कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में होता है दर्द, उस तरीके का दर्द महसूस होगा। और पेशेंट ये भी बोलेगा कि जो दर्द होगा वो एकदम से अचानक से आया है, अचानक से दर्द शुरू हुआ है, इस तरीके के लक्षण देखने को हमें इसमें मिलते हैं। अब हम जो हमारे टाइप है उन टाइप में किस किस तरीके के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, इस बारे में देखते हैं हम कि क्या-क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे हमारे टाइप के अकॉर्डिंग। जब स्कैपुलर डिसफंक्शन जो होता है वो तीन तरीके का होता है, तो इन तीनों में किस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं, अब हम ये देखते हैं। टाइप 1 या इंफीरियर डिसफंक्शन, टाइप 1 या इंफीरियर डिसफंक्शन में जो प्राइमरी फीचर्स देखने को मिलता है, जो पहला देखने को मिलेगा हमें लक्षण, वो एक विजुअल फीचर होगा, यानी कि हम आंखों से देख सकेंगे उस चीज को। उसमें जो इंफीरियर एंगल होता है वो एकदम प्रोमिनेंस हो जाता है, उठा हुआ होता है। ये देखिए, इस तरीके से अब जब दोनों स्कैपला को कंपेयर करते हैं तो ये जो इन्फीरियर एंगल होता है स्कैपला का, ये एकदम से ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण एंटीरियर टिल्ट होगा स्कैपला का सजाइटल प्लेन में,
सजाइटल प्लेन यानी कि ऐसा प्लेन जो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट दो हिस्सों में बांट देता है, तो उस प्लेन में हमारी बॉडी में सजाइटल प्लेन में हमारी स्कैपला पे एंटीरियर टिल्टिंग होगी। इस तरीके से ये इंफीरियर एंगल जो होगा निकला हुआ रहेगा बाहर। और एंटीरियर टिल्टिंग होगी हमारे स्कैपला की सजाइटल प्लेन में। और जो इंफीरियर पैटर्न है उसका विजुअलाइजेशन जो होगा बहुत ही क्लियरली दिखता है, वो एकदम विजुअल जो रहता है आंखों से इजीली देख सकते हैं हम। और अगर आपको और उसका अच्छे से इम्पैक्ट देखना है तो जो हाथ है उनको आप हिप्स पे रखें, ठीक है, या फिर इस तरीके से दीवार पे रखें तो वो और क्लियरली देखने को मिलता है। या तो आप पीछे अपने पॉकेट के ऊपर हाथ रखें या फिर ऐसे वॉल पे हाथ रखेंगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा कि जो इन्फीरियर एंगल है वो एकदम से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और ऐसा देखा गया है कि जो Type 1 पैटर्न होते हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं रोटेटर कफ डिसफंक्शन वाले पेशेंट्स में। जो हमारी रोटेटर कफ की मसल है, चार मसल होती हैं, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सब स्कैपुलर। अगर इन मसल्स में थोड़ा सा भी बदलाव है, डिसफंक्शन है, तो कॉमनली ऐसे पेशेंट जिनमें रोटेटर कफ डिसफंक्शन ज्यादातर देखने को मिलता है उनमें ही Type 1 हमारा स्कैपुलर डिसफंक्शन, Type 1 स्कैपुलर डिस्काइनेसिस देखने को मिलता है। Type 2 होता है हमारा मीडियल डिस्फंक्शन। अब Type 2 या मीडियल डिस्फंक्शन में जो पहला फीचर हमें विजुअली दिखाई देता है उसमें जो पूरी मीडियल बॉर्डर है वो एकदम उभरी हुई दिखाई देती है। उसका कारण है कि इंटरनल रोटेशन हो जाना हमारी स्कैपला का ट्रांसवर्स प्लेन में। ये देखिए, ये पूरी मीडियल बॉर्डर जो है एकदम प्रोमिनेंस हो जाती है क्योंकि हमारी स्कैपला में इंटरनल रोटेशन हो जाता है ट्रांसवर्स प्लेन में। ट्रांसवर्स प्लेन होता है कि जो हमारी बॉडी को अपर और लोअर दो हिस्सों में बांट दे वो होता है ट्रांसवर्स प्लेन। तो मीडियल डिसफंक्शन में जो मीडियल बॉर्डर होती है वो एकदम से उभर के बाहर आ जाती है। वो आपको इजिली आंखों से देखने को मिलेगी कि मीडियल बॉर्डर एकदम से बाहर की तरफ प्रोमिनेंस हो रही है।
जैसे कि टाइप वन और टाइप टू प्रेजेंट करता है, तो इसके सबसे ज्यादा एविडेंस हम ऐसे भी देख सकते हैं कि या तो हम जैसे टाइप वन में रख रहे थे हैंड्स को, हम हमारे हिप पोजीशन के ऊपर रख लें, या फिर ओवर हेड हम कोई एक्टिविटी करें, तो मिडिल बॉर्डर और ज्यादा प्रोमिनेंस हो जाएगी और ज्यादा गहरी दिखाई देगी वो ऊपरी को। और जो मिडल बॉर्डर का प्रोमिनेंस होने का डिसफंक्शन है, ये ज्यादातर उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनमें शोल्डर जॉइंट यानी कि ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट में इनस्टेबिलिटी हो, जिनका बार बार डिसलोकेशन होता है शोल्डर, जिनमें डिसलोकेशन हुआ हो कभी एक बार, तो ऐसे पेशेंट्स में कॉमनली टाइप टू मीडियल डिसफंक्शन देखने को मिलता है स्कैपुला का। फिर आता है हमारा टाइप थ्री सुपीरियर डिसफंक्शन। सुपीरियर डिसफंक्शन में बहुत ज्यादा एक्सेसिव और अर्ली एलिवेशन होता है स्कैपला का जब हम कंधा उचकाते हैं, तब एकदम से स्कैपला और ऊपर की तरफ उचक किया जाता है। तो कंधा उचकाते हैं तो नॉर्मल जब हम शगिंग करते हैं नॉर्मल कंधा ऊपर आता है, पर टाइप थ्री में सुपीरियर डिसफंक्शन में कंधे का जब हम उचकाते हैं तो सुपीरियर बॉर्डर एकदम ऊपर की तरफ रहती है, तो वो और कंधा ऊपर की तरफ उचक जाता है। ये पैटर्न को हम ऐसे रिफर करते हैं कि ये कंपेंसेटरी शोल्डर हाइकिंग है या शगिंग है, जो कि खासकर रोटेटर कफ डिसफंक्शन वाले पेशेंट्स में देखने को मिलती है, या डेल्टोइड और रोटेटर कफ मसल्स जो है वो अगर वो साथ में इम्बैलेंस हो जाए तो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो या तो शोल्डर हाइकिंग को कंपनसेट करने के लिए हो रहा है, या फिर रोटेटर कफ का कोई डिसफंक्शन हो गया हो, या डेल्टोइड रोटेटर कफ जो है वो एकदम इम्बैलेंस हो गया है। देखिए इस तरीके से पूरा कंधा ऊपर की तरफ उचक के आने लगेगा, स्कैपला पूरे ऊपर की तरफ उचकने लगेगी, तो इस तरीके से सुपीरियर डिसफंक्शन देखने को मिलता है। तो ये तीन विजुअल लक्षण देखने को मिलते हैं, आंखों से हम देख सकते हैं, और पहला तो दर्द ही होगा कि जब भी कोई मूवमेंट होगा, तो जब एथलीट्स कॉकिंग की स्टेज में आएंगे तब उन्हें दर्द होगा और साथ में ये डिसफंक्शन देखने को मिलेंगे। अब साथ में दर्द और जकड़न रहेगी हमारी स्कैपला पे, बहुत दर्द और जकड़न महसूस होगी, स्पेशली तब जब इस तरीके से हाथ को हम ओवरहेड लेके जाएंगे या उससे कोई भारी सामान उठाएंगे। जब हम इस तरीके से हाथ को ओवरहेड मूवमेंट करेंगे या कोई बहुत भारी सामान उठा के हम लेके जाएंगे, तो स्कैपला में जकड़न और दर्द महसूस होगा और ऐसा लगेगा कुछ पॉप की आवाज हुई है। जब भी हम शोल्डर के मूवमेंट करेंगे, कंधे के मूवमेंट करेंगे, तो एक तरीके से स्नैप जैसा हो जाएगा, एक पॉप करके आवाज आएगी कि कुछ पॉप जैसा कुछ टूटा है वहां, लाइक सा ऐसा महसूस होगा। धीरे धीरे उस हाथ की, उस शोल्डर की जो ताकत है वो कम होने लगेगी, कमजोरी महसूस होगी उस हाथ में, बेजान सा लगेगा वो हाथ। जब भी कोई सामान उठाना होगा तो एकदम से दम खत्म हो जाएगी या सामान हाथ से छूट जाएगा। ठीक है, तो अफेक्टेड साइड के आर्म और शोल्डर में जो पावर होती है धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। और हमारे
पोस्चरल में भी चेंज हो जाएगा, जो हमारा नॉर्मल पोस्चर होता है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो अफेक्टेड साइड वाला कंधा है वो ऊपर और अनअफेक्टेड वाला नीचे हो जाएगा, मतलब शोल्डर में असिमेट्रिकल हो जाएंगे, एक नीचे और एक ऊपर को देखने को मिलेगा। और शोल्डर ब्लड यानी कि जो स्कैपला है वो बाहर की तरफ जाती हुई दिखेगी, जैसे कि कोई पंख हो, जैसे पंख होते हैं उस शेप में, जैसे बाहर की तरफ पंख किसी के हो गए हो ऐसा देखने को मिलेगा। कभी कभार ऐसा भी फील होता है कि जो कंधे का जोड़ है वो उसकी जगह से हट गया है, साइड हो गया है, ऐसे भी लक्षण देखने को मिलते हैं। अब पोस्चर में चेंज के बाद जो शोल्डर ब्लड होता है वो इस तरीके से बाहर विंग्स की तरह चला जाएगा, ठीक है, ये विंग की तरह चला गया। बस इस साइड के शोल्डर में कमजोरी महसूस होगी और ये देखिए एक ऊपर एक नीचे महसूस होगा, ठीक है। इस तरीके से कंधा ऊपर नीचे हमें दिखता है, ये विजुअल इम्पैक्ट है पूरा, आपको आंखों से देखने को मिलेगा। जो पीछे डायग्नोस करेगा आपको या जो भी नियर बाय आपके घर पे है उसको इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी कि एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे है, बाहर की तरफ निकला हुआ है एक स्कैपला, जिसे हम विंगिंग स्कैपला कहते हैं, इस तरीके की चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। अब ये जो इंजरी है ये धीरे धीरे और खराब होती जाएगी अगर इसमें कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाए, रोटेटर कफ की मसल्स में इंजरी हो जाए। ये देखिए ये रोटेटर कफ की मसल ये स्कैपला के ऊपर पूरी बनी हुई है, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, सब स्कैपलरीज, टीरिस माइनर, ये चार मसल मिलकर रोटेटर कफ मसल बनाती हैं। इनमें कोई इंजरी हो जाए और धीरे धीरे अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो धीरे धीरे जब कंडीशन खराब होती जाएगी स्कैपुलर डिस्काइनेसिस की, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा शोल्डर में, रोटेटर कफ मसल्स की इंजरी हो जाएगी, कंधे में जकड़न बनी रहेगी और खेलने की जो टेक्निक है लिफ्ट करना या फेंकना वो धीरे धीरे खराब होती जाएंगी, पुअर टेक्निक्स होती जाएंगी। थ्रोइंग में कुछ उठाने के लिए आप हाथ बढ़ाएंगे तो एकदम से कमजोरी, लचक या दर्द महसूस होगा, तो इस तरीके के लक्षण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हमें इसमें देखने को मिलते हैं, कि ऐसे कौन है जिनमें रिस्क होता है कि स्कैपुलर डिस्काइनेसिस हो सकता है। परसेंट ये देखा गया है कि जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं बार बार, उनमें एक डायरेक्शन में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, जिसके कारण से एंटीरियर डिसलोकेशन बहुत कॉमन हो जाता है। अगर एक ही डायरेक्शन में रिपीटेड मूवमेंट करेगा कोई एथलीट तो उसमें अस्थिरता बन जाती है रिपीटेड मूवमेंट के कारण, तो डिसलोकेशन हो जाता है। अगर किसी को डिसलोकेशन हुआ है
तो उसको चांसेस होते हैं, उसको रिस्क होते हैं कि उसे स्कैपुलर डिस्काइनेसिस हो सकता है। आदमियों में 18 से 25 की उम्र के बीच में बहुत ज्यादा कॉमन ये होता है, स्पेशली अगर वो लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हों, स्पोर्ट्स खेलते हों, तो 18 से 25 के जो एथलीट्स होते हैं और उनमें रिस्क होता है स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होने का। ज्यादातर ये जिम्नास्टिक्स में देखने को मिलता है और स्विमर्स में देखने को मिलता है। जो जिम्नास्टिक करते हैं एथलीट, जो स्विमर्स होते हैं, उनमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है, लेकिन ओवरहेड एथलीट जो होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। जैसे कि जो थ्रोअर्स होते हैं, वॉलीबॉल प्लेयर्स होते हैं, ये सब ओवरहेड मूवमेंट करते हैं शोल्डर का। तो ओवरहेड मूवमेंट करने वाले स्पोर्ट्स में भी ये देखने को मिलता है, जिनमें ये स्कैपुलर डिस्काइनेसिस ओवरहेड एथलीट्स में होता है उनमें अक्सर पोस्टीरियर कैप्सूल में टाइटनेस होती है, जीआई जॉइंट की रिदम में डिसफंक्शन होते हैं, सेरेटस एंटीरियर मसल और लोअर ट्रेपेजियस मसल जो होती हैं वो कमजोर होती हैं। और जो ये मेजॉरिटी है वॉलीबॉल प्लेयर्स की, वो इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत लंबे एथलीट्स होते हैं। जैसे कि हमारा एक सिंड्रोम होता है मार्फन सिंड्रोम, तो अगर मार्फन सिंड्रोम है किसी एथलीट्स को, तो उसे रिस्क होता है शोल्डर इंस्टेबिलिटी होने का, स्पेशली टॉल एथलीट्स की पॉपुलेशन में देखा जाए। जो लंबे ऊंचे एथलीट्स होते हैं, अगर वो मार्फन सिंड्रोम्स के साथ है, तो उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है हमारे शोल्डर स्कैपुला के डिस्काइनेसिस का। ये देखिए, इस तरीके से मॉर्फन सिंड्रोम होता है, ये एक तरीके का इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जो कि हमारे बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको अफेक्ट करता है। मॉर्फन सिंड्रोम हमारे हार्ट को, आइज को, ब्लड वेसल्स को, बोन्स को, सबको अफेक्ट करता है। और इस पे जो लंबे लोग होते हैं स्पेशली, उनमें ये होता है जिनमें एकदम पतले से और लंबे हाथ पैर हो, लंबे उंगलियां हो, लंबे पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां हो, तो ऐसे एथलीट जिनको मार्फन सिंड्रोम होता है, उनकी स्कैपुला में स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होने के बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्कैपुला देखिए किस तरीके से माल पोजीशन में प्रेजेंट है। अगर किसी को मार्फन सिंड्रोम भी है और वो एथलीट नहीं है, नहीं खेलता है स्पोर्ट्स, तो भी इनमें स्कैपुलर डिस्काइनेसिस देखने को मिलता है। बट अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है और मॉर्फन सिंड्रोम भी है उसमें कहीं ना कहीं, तो इनमें रिस्क होता है कि ऐसे कंडीशन देखने को हो सकती है या मिल सकती है ऐसी कंडीशन देखने को। तो ये हमारा मॉर्फन सिंड्रोम, जिसमें हमारी रिस्क है कि स्कैपुलर डिस्काइनेसिस हो सकता है।
अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आता है इसका कि सॉफ्ट टिश्यूज और बोनी बैंकट लीजन देखने को मिल सकता है। बैंकट लीजन क्या होता है? जो हमारी ग्लिनोइड लैब्रम होती है, अगर वो लैब्रम बार बार रक्चर हो डिसलोकेशन के कारण, अगर उसके टिश्यू में रक्चर हो रहा है तो सॉफ्ट टिश्यूज बैंकट लीजन होता है, और अगर कंधे की हड्डी भी उसमें इन्वॉल्व है तो बोनी बैंकट लीजन होता है। तो बैंकट लीजन हो सकता है इसके कॉम्प्लिकेशन में, और हिल शेक लीजन भी हो सकता है। हिल शेक लीजन यानी कि एंटीरियर डिसलोकेशन जिनको बार बार होता है, उनका ह्यूमरस का हेड जो होता है वो कोलाइड हो जाता है, स्टक हो जाता है, तो उसे हिल शेक लीजन कहते हैं। तो हिल शेक लीजन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। रोटेटर कफ की मसल्स टूट सकती हैं, टियर हो सकता है उनमें। जो ह्यूमरस है, हाथ की जो हड्डी है, उसमें प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में जो पास में है कंधे के उस साइड के एरिया में ह्यूमरस में फ्रैक्चर हो सकता है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल और इंटरनल इम्पिंजमेंट भी हो सकता है, यानी कि जो हमारी रोटेटर कफ की मसल्स हैं, अगर उनके टेंडन इन दो हड्डियों के बीच में दबने लगे, स्पेशली हमारे ह्यूमरस और स्कैपला के बीच में दबने लगे, तो एक्सटर्नल और इंटरनल इम्पिंजमेंट देखने को मिलता है रोटेटर कफ के टेंडन्स में। इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, टेंडिनोपैथी हो जाती है। जो वहां बर्सा है, जो दो जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है बर्सा, तो जो हमारी सब एक्रोमियल बर्सा है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, सब एक्रोमियल बर्साइटिस जिसे हम कहते हैं। बाइसेप्स मसल जो है हमारी, उसमें भी टेंडिनोपैथी हो सकती है। हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में आर्थ्रोपैथी हो सकती है। हमारा जो एक और बर्सा है स्कैपुलोथोरेसिक बर्साइटिस, इसमें भी दिक्कत हो सकती है, या फिर स्कैपुलर ट्यूमर। तो स्कैपुलर ट्यूमर के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो जाते हैं, तो इसमें से एक कॉम्प्लिकेशन हमारा स्कैपुलोडिस्काइनेसिस भी है। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में कि किस तरीके से हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर जो होता है वो आपसे बात करके मेडिकल हिस्ट्री लेगा कि कुछ ऐसा पहले हुआ है क्या, या कंधे में कोई चोट लगी थी क्या कभी पहले, या शोल्डर में कुछ हुआ था क्या, आप क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, और बाकी जो जनरल हेल्थ है वो पूछते हैं, और फिर किस तरीके के लक्षण देखने को आपको अभी मिल रहे हैं। आपका पूरा शोल्डर
और स्कैपला का पूरी तरीके से एग्जामिनेशन होगा, कोई इंजरी तो नहीं है, कमजोरी तो नहीं है मसल्स में, कहीं टाइटनेस तो नहीं है मसल्स में, ये देखने के लिए पूरे शोल्डर और स्कैपला का एग्जामिनेशन होगा। ज्यादातर केसेस में ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन से ही क्लियर हो जाती हैं कि डायस्टेनोसिस है या नहीं है। बाकी कुछ केसेस में फिजिकल एग्जामिनेशन में विजुअल ऑब्जर्वेशन भी होता है कि अनकवर करवाया जाता है और फिर पीछे की तरफ से स्कैपला को देखते हैं और कंपेयर करते हैं जो इन्वॉल्वमेंट वाला साइड है उससे, और जो इन्वॉल्वमेंट वाला साइड नहीं है उन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि ऊपर नीचे तो नहीं है, इक्वल है या नहीं है, प्रोमिनेंस कौन सा हिस्सा है, ये चीजें देखते हैं। अगर स्कैपुलर डायस्केनेसिस प्रेजेंट होता है तो पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाए और फिर नीचे की तरफ लाए, 3 से 5 बार से ये करना है, हाथ ऊपर की तरफ लेके जाना है सर के पास और नीचे लेके आना है। कभी कभार हम बिना वेट के भी करवा सकते हैं, कभी कभार थोड़ा सा वेट देके भी करवाते हैं। तो जब ऐसा करवाते हैं तो जो मसल्स की कमजोरी होती है वो सामने आती है और जिस कारण से जो डायस्काइनेटिक पैटर्न यानी कि जो प्रोमिनेंस पैटर्न है वो और उभर के सामने आता है। इस तरीके से देखिए, या तो हम कंधे उचकाने को बोलेंगे तो पूरा स्कैपला क्लियर दिखता है, ठीक है, और इसे 3 से 4 बार करने को, 3 से 5 बार करने को बोलेंगे तो ये पूरा एरिया जहाँ पे भी दिक्कत है वो एकदम प्रोमिनेंस होके दिखने को लगता है, ठीक है। और इसी से ये भी रिवील हो जाता है कि मसल्स वीकनेस है या कोई काइनेटिक वीकनेस है, क्या वीकनेस है, ये भी चीजें विजुअल ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो जाती हैं। मैनुअल मसल्स टेस्टिंग होती है, डॉक्टर जो होते हैं वो मसल्स टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं टेस्ट करके आपके शोल्डर की मसल्स, स्कैपला की मसल्स की कितनी पावर है, कितनी कमजोरी है, क्योंकि वीकनेस होगी तो एबनॉर्मल स्कैपुलर मोशन होते हैं। तो हम मसल्स टेस्टिंग करते हैं, अलग अलग मसल्स की अलग अलग मसल्स टेस्टिंग होती है, उससे भी पता चल जाता है कि स्कैपुलर डायस्केनेसिस है या नहीं है। करेक्शन मैनेवर्स होते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं जिसमें ये पता चलता है कि डायस्केनेसिस है या नहीं है। अब वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अब बात करते हैं कि किस तरीके के टेस्ट के साथ हम पता कर सकते हैं स्कैपुलर डायस्केनेसिस के बारे में। सबसे पहला होता है स्कैपुलर असिस्टेंट टेस्ट, जिसे सेट कहते हैं। इसमें जो डॉक्टर होगा या थेरेपिस्ट होगा वो एक जेंटल प्रेशर अप्लाई करेगा आपकी स्कैपुला पे, उसको असिस्ट करेगा कि आप जब ऊपर कंधा लेके जाएंगे, एलिवेट करेंगे आपको, तो स्कैपुला ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो जेंटली उसमें प्रेशर लगा के थोड़ा मदद करता है और ऊपर करता है स्कैपुला को। तो जब वो ऐसा करेगा और उस टाइम पे अगर आपका दर्द चला गया और जो मोशन है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया शोल्डर का मोशन, तो ये इंडिकेट करता है कि मसल्स जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपके हाथ को वो उठा पाए, इसी कारण से स्कैपुलर डायस्केनेसिस हो रहा। ये देखिए,
इस तरीके से पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाए, थेरेपिस्ट थोड़ा सा नीचे से पुश करके, इंफीरियर एंगल से पुश करके अपवर्ड रोटेशन में मदद करेगा स्कैपला की। तो इसको करते टाइम अगर आपको दर्द में निजात मिलता है और जो शोल्डर को ऊपर उठाने की रेंज जो पहले कम आ रही थी अगर वो भी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये कि आपकी मसल्स बहुत वीक हैं कि वो पूरी तरीके से आपके आर्म को उठाने की भी ताकत नहीं रख पा रही हैं, तो इसी कारण से आपका स्कैपुलर डिस्काइनेसिस बना हुआ है। अगला हमारा टेस्ट है स्कैपुलर रिट्रैक्शन टेस्ट। स्कैपुलर रिट्रैक्शन टेस्ट में डॉक्टर क्या करेगा, टेस्ट करेगा आपके आर्म की स्ट्रेंथ को, वो भी कैसे, पुश डाउन करवा के जब आप आपके हाथ को एक्सटेंड करेंगे। हम पहले मैन्युअली ही स्कैपला को रिट्रैक्शन की पोजीशन में रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से हैंड पोजीशन होगी, एक तो शोल्डर के हमारी स्कैपला के ऊपर और दूसरा फोरआर्म पे, यहाँ एल्बो पे। तो हम पेशेंट को बोलेंगे आपको नीचे की तरफ हाथ लेके आना है, पहले हम ऊपर उठाएंगे फिर तो उसके बाद हम उसको फोर्सफुली नीचे की तरफ हम लेके जाएंगे एक्सटेंड के टाइम पे। फिर मैन्युअली हमें स्कैपला को रिट्रैक्शन पोजीशन में लाना है और फिर टेस्ट करना है फिर से स्ट्रेंथ को डिट्रैक्शन में, यानी कि पीछे की तरफ। जो स्कैपुलर डिस्काइनेसिस के पेशेंट होते हैं उनमें मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी जब वो रिट्रैक्शन करेंगे। पहले हमें नॉर्मल में करवाना है, फिर हम शोल्डर का रिट्रैक्शन करवाएंगे, ठीक है, शोल्डर को हम एक्सटेंशन में लेके जाएंगे। तो पेशेंट बोलेगा कि मेरी एकदम से स्ट्रेंथ बढ़ गई है, और आप भी जब टेस्ट करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ी हुई आएगी। तो इस तरीके से SRT टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं स्कैपुलर डिस्काइनेसिस के बारे में। इमेजिंग स्टडीज में से भी हम पता कर सकते हैं, हमेशा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो हमारे डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं उसमें ही क्लियर हो जाता है, बट फिर भी अगर टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है तो एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI इन सब से स्कैन करके सस्पेक्ट कर सकते हैं बोनी एबनॉर्मिटीज को, जैसे कि ऑस्टियोकॉन्ड्रामा तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है शोल्डर के किसी और पार्ट में। तो इन सब के पता के लिए हम इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं और नॉर्मल एक्सरे से भी स्कैपुलर डिस्काइनेसिस पता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इस तरीके से एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे आएगा, ये क्लेविकल ऊपर नीचे आएगी, तो उसमें भी एक्सरे में भी थोड़ा सा डेविएशन अलग ही शो हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं स्कैपुलर डिस्काइनेसिस का। अब इसका ट्रीटमेंट, इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो एक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ही है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाना, मसल्स की ताकत वापस लाना। बट इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है कि जो जनरल डिस्काइनेसिस के पेशेंट होते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण होता है मसल्स वीकनेस या टाइटनेस, तो उसके लिए किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। पर अगर डिस्काइनेसिस किसी और कारण से है, जैसे कि कंधे के जॉइंट में कोई इंजरी हो गई हो, तो उसके लिए ही कोई प्रोसीजर होती है, कोई सर्जरी हम करते हैं उसके लिए, वो सारे जॉइंट्स को, सारे टिश्यूज को आपस में
रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर इसके बाद वापस से वही है कि वापस हम फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन की तरफ जाते हैं ताकि स्कैपुला का जो मोशन है वो नॉर्मल हो जाए। तो सर्जरी इसकी नहीं होती है, स्कैपुलर डायस्थेनेसिस की, इसका फिजियोथेरेपी ही ट्रीटमेंट होता है। बट इंजरी के कारण अगर ये हुआ है, शोल्डर इंजरी के कारण, तो ही सर्जरी की तरफ, शोल्डर सर्जरी की तरफ प्रेफर किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्कैपुलर डायस्थेनेसिस के बारे में हमने आज देखा, उसके कारण, लक्षण, कॉम्प्लिकेशन, रिस्क, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो। आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।